मैं भी अपने घर से सब किसी को, सब लोग सोए हुए थे, सब किसी का पैर छू के निकल गया, सब लोगों को जी भर के देखा। फिर दो बाइक पे तीन तीन दोस्त आए हमारे, और हम लोग सीधा पहुंचे दिलवाले दुल्हनिया के घर पे, यहीं पे रुकिए। बट हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोगों की वजह से वो लोग कोई प्रॉब्लम में आए, तो हम लोग वहां से निकल गए। अपने जान पे खेल के हम लोग को सब कुछ किए हैं लोग। नमस्कार जी, मैं गोविंद, नमस्कार जी, मैं ज्योति। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिराज गोविंद ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एंड हम लोग भी ठीक हैं। और दोस्तों, आज हम लोग शूट कर रहे हैं लव स्टोरी पार्ट 5, जिसका आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। और इतना सारा इंतज़ार करवाने के लिए हम लोग सॉरी बोलना चाहेंगे आप लोगों से। हम लोगों के पास दोस्तों टाइम की बहुत ही कमी थी, और हालात भी वैसे नहीं थे कि हम लोग पार्ट 5 शूट कर पाए, क्योंकि हालात इधर बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। हम लोग हर एक चीज़ आप लोगों से बयान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक मतलब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों को सैड न्यूज़ देखा जो थी, तो इसीलिए। लेकिन आज हम लोग पार्ट 5 शूट कर रहे हैं लोग, और करीब 2 बज रहे हैं रात के। तो ज्योति अभी जगाई और हम ज्योति को जगाए, पहले इसको जगाए, फिर ये सो गई और हम भी सो गए थे, फिर इसका नींद खुला तो ये हमको जगाई, तो अभी शूट कर रहे हैं हम लोग। और दोस्तों, पार्ट 5 पे स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 4 में देखा कि हम लोगों का मतलब घर छोड़ने का प्लानिंग हो गया था, बट डेट क्लियर नहीं हुआ था, तो वो डेट आप लोगों को इस ब्लॉग में हम बताएंगे। तो वो जब हम लोगों का डेट फिक्स हुआ था, वो डेट था 4 मई, यानी 4 मई को हम लोगों ने डेट फिक्स किया कि हम लोग 25 मई को घर छोड़ देंगे और 25 मई को हम लोग शादी कर लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, जब दिन ऐसे कटते गए धीरे धीरे, 25 मई नज़दीक आते गया, और हम लोग अपने अपने घर में जो भी मतलब घर से निकलने के लिए जो भी कपड़ा वपड़ा सामान वामान था, वो सब हम लोग रेडी कर रहे थे धीरे धीरे। फाइनली 23 मई तक हम लोग फाइनली सब कुछ रेडी कर लिए थे लोग घर छोड़ने के लिए। बट हम लोग दोनों आदमी के मन में मतलब इतना तड़प था अंदर से कि पूछिए मत। हम लोग मतलब अपने घर को देखते थे लोग, अपने फैमिली वालों को भी देखते थे लोग, तो घर छोड़ने का मन नहीं करता था, बट एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे लोग, क्या जाती। तो फाइनली लास्ट हम लोग 25 मई को घर छोड़ दिए लोग, और दोनों आदमी उसमें आप लोगों से पिछले ब्लॉग में ये भी बताए थे कि ये भी बताएंगे कि हम लोग का साथ किसने दिया था। तो दोस्तों, इस मैटर में एक दोस्त को छोड़ दिया जाए तो बाकी दूसरा कोई साथ नहीं देता। और ऐसा भी हुआ था, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ आप लोगों से बताना, कि फाइनली हम लोगों का कोई वो नहीं हुआ था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बस ये फिक्स हो गया था कि हाँ, हम लोग 25 तारीख को घर छोड़ेंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे लोग, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था। तो मैं 3 या 4 दिन पहले, उस समय मैं अपना जिम चलाता था, आप लोगों को बताया भी हूँ, मेरा खुद का जिम था, तो अब मैं उसी में ऐसे शांत होकर बैठा था, यही सोच रहा था कि कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। एक लड़की होगी मेरे साथ में जो कि ज्योति थी, तो इसको कहाँ लेके जाऊँगा। और उसके पहले दोस्तों, मैं बाहर वाहर गया नहीं था कभी। तो मेरा एक दोस्त था जिनका नाम पंकज है, तो उन्होंने वो मेरे ही जिम में ज्वाइन किए थे और जिम करने आते थे, तो वो आए, अचानक से आ गए, हालांकि उस समय जिम का कोई टाइम नहीं था। तो आए तो मैं ऐसे साइड होके बैठा हुआ था, उदास होके बैठा हुआ था अपने जिम में। तो आए तो बोले, बड़े ही खुश मिजाज आदमी है वो, क्या बहुत ही मस्ती वाले आदमी है। तो आए, आते ही बोले, क्या हुआ गोविंद भैया, ऐसे ही बोलते हैं, क्या हुआ गोविंद भैया। तो हम सोचे पहले, फिर सोचे कि इनसे थोड़ा सा सजेशन लिया जाए, सलाह लिया जाए कि ये क्या बोलते हैं। तो मैंने अपना पूरा मैटर उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और हम लोग लव मैरिज करना चाहते हैं भाग के।
तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका साथ दूंगा इसमें। उनका भी लव मेरे साथ अरे तो उनका है स्टोरी, थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को बाद में। तो फिर उसके बाद वो हमको बोले कि भाई देखिए मैं भी लव मैरिज करने वाला था और मैंने पूरा व्यवस्था एक जगह पे कर दिया है अपने लिए, बट मैं नहीं किया तो उस जगह पे आपको व्यवस्था करवा सकता हूँ। भाई साहब मेरी तो 50% टेंशन खत्म हो गई कि चलो भाई ये तो कम से कम हो गया कि हाँ हम लोग जाके यहाँ पे रुक सकते हैं, लोग कोई है अपना जिसके साथ हम लोग रुक सकते हैं। फिर फिक्स हो गया कि 25 मई को फिर फाइनली हम लोग निकलेंगे, और वो भी कैंसिल होते होते हम लोग निकल गए। वो कैसे आप लोगों को बताते हैं, 25 मई के सुबह में हम लोगों का प्लानिंग था कि 25 मई के सुबह में हम लोग निकल जाएंगे। फिर क्या हुआ कि सुबह के 4 बज गए थे दोस्तों, हम लोग मैं भी अपने घर से सब किसी को सब लोग सोए हुए थे, सब किसी का पैर छू के निकल गया, सब लोगों को जी भर के देखा। रात भर तो सोया नहीं था, सब लोगों को सुबह में जी भर के देखा और फिर घर से निकल गए रोते हुए, आंखों में आंसू लिए घर से निकल गए। और फिर उसके बाद आके अपने हमारा घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर मेरा जिम था, वहाँ पे गया मैं, वहीं से निकलने का मेरा बैग वैग सब वहीं पे रखा हुआ था। फिर वहाँ आके मैं कॉल कर रहा था अपने फ्रेंड लोग के पास, बट कोई रिसीव ही नहीं कर रहे थे लोग, और सुबह होते जा रहा था। और फिर दोस्तों मैं सोचने लगा कि भाई आज तो गया, और इधर ज्योति को भी रेडी कर दिया था, ज्योति भी इधर अपना बैग जोरा वोरा लेके तैयार थी। फिर क्या हुआ कि लास्ट लास्ट में हम सोचे कि अब प्लान कैंसिल हो गया। फिर मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया तो उन्होंने बोला कि गोविंद भाई आप रेडी हो? हम बोले कि हाँ भैया, हम तो आधे घंटे से आप लोग कॉल ट्राई कर रहे हैं, आप लोग कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। तो बोले कि क्या किया जाए, नहीं हम बोले थे कि क्या किया जाए, कैंसिल कर दिया जाए आज, मतलब वो हो गया बहुत लेट हो गया और अभी गांव का माहौल है, सब लोग जग गए होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर 25 को फिक्स है तो फिक्स है, हम लोग निकलेंगे जरूर चाहे जो कुछ भी हो जाए। फिर दो बाइक पे तीन तीन दोस्त आए हमारे और हम लोग सीधा पहुंचे दिलवाले दुल्हनिया के घर पे और दिलवाले दुल्हनिया के घर पे पहुंचे हम लोग। फिर वहाँ ज्योति रेडी थी और हम लोगों का कॉल भी चालू था। फिर ज्योति घर से बाहर निकली और वहाँ से हम लोग ज्योति को बाइक पे बैठाए और वहाँ से सीधा निकल गए 40-45 किलोमीटर दूर। क्या ज्योति हम भी तो नहीं गए थे, और लगभग 40-45 किलोमीटर दूर हम लोग गए वहाँ पे, और वहाँ पे एक छोटा मोटा मार्केट था, वहाँ उतरे हम लोग। और उतर के फिर ज्योति वहाँ, मतलब जो मेरे फ्रेंड थे ना, उनके और भी काफ़ी फ्रेंड थे वहाँ पे जो कि पहले से वहाँ पे रेडी थे आ गए थे। और वहाँ से ज्योति को फिर हम लोग अलग अलग हो गए, ज्योति चली गई एक फ्रेंड के सिस्टर के यहाँ, और इधर वहाँ जाके ज्योति रेडी हो गई। और मतलब हम लोग उसी दिन रेडी क्या हुआ जल्दी? हाँ दोस्तों रेडी कर बिना नहाए धोए शादी हो गया हम लोगों का, जैसे नहा के हम आज लोग हम बिना नहाए धोए। फिर क्या हुआ ना कि उसी दिन उसी डेट को हम लोगों को शादी भी करना था। तो फिर हमारे जो फ्रेंड थे उन्होंने एक रूम देखा, रूम तो पहले से ही देखा हुआ था, बाकी सारा सामान वहाँ पे रख दिए लोग, और गाड़ी वाड़ी बुक किए, गाड़ी बुक करके हम लोग चले गए मंदिर, जो कि हम लोग चाहते हैं कि एक बार और दर्शन करें उस मंदिर का। जब पैसा भी हो जाएगा ना दोस्तों जाएंगे आप हम लोग लोगों के से भी पास दिखाएंगे, जब भी पैसा होगा ना हम लोग जाएंगे देखने। क्योंकि दोस्तों काफी दूर है और गाड़ी बुक करने में 3-4 हजार गाड़ी का लेगा लोग, है ना? हाँ तो जब मतलब हम लोग जाएंगे, हम लोगों के मन में इच्छा है कि माता रानी के दर्शन करने हम लोग जरूर जाएंगे, तो जाएंगे जब ठाने हैं तो जाएंगे तो जाएंगे। और फिर हम लोग वहाँ से निकले, हमारे दोस्त लोग गाड़ी बुक किए, गाड़ी बुक करके हम लोग पहुँच गए मंदिर। और मंदिर में हम लोग हमारे जितने भी फ्रेंड थे सब लोगों ने सब चीज़ मतलब इतना अच्छा लगा भाई साहब कि पूछिए मत, पूरा माहौल ही खड़ा हो गया था वहाँ पे। हम तो रोने लगे मतलब बारातियों की कमी नहीं थी वहां पे, इसके भाई भी बन गए वहां पे, और बाकी पंडित जी वंडित जी सब लोगों का व्यवस्था करवा दिए, चुंदरी वंदरी शादी जो भी। करने में हम लोग कहीं भी रुके नहीं लगने हाँ थे। सारा चीज जो भी मतलब फ्रेंड थे वहां के सारा चीज उन्होंने ही व्यवस्था जब फर्स्ट करके बार मिले थे ये कहना चाहिए उन लोगों से,
सब चीज उन्होंने व्यवस्था दोस्त हो तो उनके उन लोगों जैसे बहुत आज भी हेल्प करते हैं लोग, फोन करके पूछते हैं लोग कुछ में हर एक चीज। वहाँ भी शादी हुआ हम लोगों का, और यहाँ तक कि कैमरा भी किसी को नहीं करने दिए थे लोग का ज्योति, बस हम लोगों का ही कैमरा मोबाइल का जो था वो था, नहीं दूसरे किसी का कैमरा चला भी तो डॉन और यहाँ तक कि इतना मोटिवेट हम लोग कर रहे थे लोग कि आपका एक बाल भी बाका नहीं हुआ होगा। वो लोग वहां से आने नहीं दे रहे थे हम लोगों को कि नहीं आप लोग यहीं पे रुकिए, बट हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोगों की वजह से वो लोग कोई प्रॉब्लम में आए, तो हम लोग वहां से निकल गए। अपने जान पे खेल के हम लोग सब कुछ किए हैं लोग वो, और भी मतलब आगे स्टोरी में हम बताएंगे बहुत कुछ किए वो लोग हमारे लिए। और फिर वहाँ हम लोगों का शादी कंप्लीट हुआ, पंडित जी शादी करवाए हम लोगों का बहुत अच्छे से, लेकिन अफसोस कि पूरा वीडियो नहीं है हम लोगों के पास शादी का। हम लोगों के पास बस उतना ही वीडियो है जितना में हम लोगों का शादी हुआ है, तो वो वीडियो। और दोस्तों शादी के बाद एक और चीज़ हुआ था, एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था हम लोगों के साथ में, उस लफड़े से बहुत मुश्किल से हम लोग निकले, और वो क्या लफड़ा था आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पार्ट 6 में हम जरूर बताएंगे क्या ज्योति। और दोस्तों हमारी शादी का वीडियो देखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम अपनी साड़ी हम किसी और ब्लॉग में अपने साड़ी निकल गया सॉरी दोस्तों, हम किसी और ब्लॉग में अपने शादी का वीडियो बना के आप लोगों को, और फोटोज भी हैं बहुत सारी जो कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम कुछ किया है उसका फोटो है, तो वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक, आशा करते हैं कि ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और जल्दी जल्दी थोड़ा हम लोग को आगे भगाइए आगे भगाइए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, देखिए ना 2 बजे रात के बनाने वीडियो आवाज हुए हैं लो ना कुछ भी ऐसे ही बैठ के बना ले दोस्तों, जानते हैं दिन पिज्जा के साथ धोए हैं हम, धोए हैं थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगाए हम नहीं कुछ भी। और दोस्तों जानते हैं दिन भर जैसे कि हम ठेला लेके घूमते हैं ना लगभग 6-7 किलोमीटर घूम जाते हैं, तो उधर से आते समय ना बहुत ज्यादा थकान हो जाता है, तो शाम को आते आते खाना खाने के बाद आँख ऐसे बंद होने लगता है, तो हम मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी नींद को रोक नहीं पाते, इसीलिए हम लोग इस टाइम में शूट कर रहे हैं लोग। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। ये परी के तरफ से ठाकुर का हाथ उखाड़ दिए, तो चलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।